दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना वायरस के मामलों ने सरकार से लेकर आम इंसान सभी को चिंता में डाल दिया है। यहाँ एक बार फिर तेजी से बढ़ते केसों को देखते हुए इस महामारी के कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि बीते कुछ दिन से राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में कमी देखी गई है और अगले सप्ताह तक इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने कहा, शुक्रवार को संक्रमण की दर 6.76% रही। राजधानी दिल्ली के ताजा हालात पर प्रकाश डालते हुए शनिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर कहा कि उन्हें लगता है अब कम्युनिटी स्प्रेड एक टेक्निकल टर्म में फंस चुका है। जब देश और दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो इसे कम्युनिटी स्प्रेड मान लेना चाहिए था, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इस पर केंद्र सरकार या इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की कुछ बता सकते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, सत्येंद्र जैन ने जवाब दिया कि इसमें उनके मानने या मानने से कुछ नहीं होता और इस बारे में बताने के लिए वह तकनीकी रूप से सक्षम भी नहीं है। इस बारे में वैज्ञानिक ही सही ढंग से बता सकते हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट 6.76% रहा। पिछले 2-3 दिन से लगातार पॉजिटिविटी रेट 7% या उससे नीचे रहा है। पिछले हफ्ते ये 8% से ऊपर था। पहली बार अब तक का कुल पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, शुक्रवार को COVID-19 मरीजों के लिए अब निजी अस्पतालों में 500 से अधिक अतिरिक्त ICU बेड्स उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हाल में वह आदेश देने के बाद हुआ है जिसमें कई निजी अस्पतालों को ऐसे बेड्स में से कुछ प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए आरक्षित करने को कहा था। सत्येंद्र जैन ने कहा कि गत सप्ताह एक आदेश दिया गया था कि यहाँ 33 निजी अस्पतालों में 80% ICU बेड्स COVID-19 मरीजों के लिए आरक्षित। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।